हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। टुडे द पार्ट 2 कट, दिस इज अ कंटीन्यूअस चैप्टर पार्ट 2 वीडियो। नाउ वी लर्न इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो साइमन कमीशन। यू नो साइमन कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू टू स्टैट्यूटरी कमीशंस अंडर द सर्जन साइमन। सर्जन साइमन के अंडर में स्टेट्यूटरी एक कमीशन फॉर्म किया गया। द कमीशन वॉज मेड टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंटिन्यूएशनल सिस्टम। यानी ये सर्जन साइमन के अंडर में एक कमीशन उसके अंडर में था एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से रिलेटेड था। नाउ बट ऑल द मेंबर्स इन द कमीशन वर ब्रिटिश। प्रॉब्लम ये था कि साइमन कमीशन का कि उसमें सारे मेंबर ऑफ ब्रिटिश के थे, कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। सो दैट्स व्हाई इंडियन लीडर्स अपोज साइमन कमीशन। इसीलिए इंडियन लीडर्स ने साइमन कमीशन का अपोज किया था। द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया इन 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। यानी हमारे इंडियंस ने इनको बहुत बुरी तरह से उसके नारे लगाए, गो बैक साइमन। ऑल द पार्टीज ज्वाइन प्रोटेस्ट। सारी पार्टीज इकट्ठा हो गई एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड इन द अक्टूबर 1929 Lord Irwin announced vague offer of a dominion state for the India. October 1929 में Lord Irwin ने announce किया vague offer. Also round table conference to discuss the future constitution. इस round table conference में हमारी constitution के favor में एक लॉ पास होने वाला था और उसके रिलेटेड डिस्कशन होने वाली थी। सो इसको भी उसने होल्ड कर दिया। सो दिस इज अ साइमन कमीशन और हमारे इंडियंस ने इसका ग्रिटली इसका अपोज किया। नाउ वी लर्न अ सेकेंड चैप्टर सॉल्ट मार्च। नाउ सॉल्ट मार्च, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी बिलीव दैट द सॉल्ट कुड बी पावरफुल सिंबल्स टू यूनाइट द नेशन। होल नेशन को यूनाइट करने का एक ही जरिया है सॉल्ट सत्याग्रह। अबोलिशन ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट टैक्स वॉज अमंग अ मैनी डिमांड्स टू इरविन। सॉल्ट सत्याग्रह अबोलिश करने उसके अगेंस्ट में बहुत सारी डिमांड्स थी हमारे इंडियंस की, गांधी जी की। द सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12th March 1930 एंड ही अकम्पेन्ड बाय 78 वॉलेंटियर्स। ऑल्सो दे वो 24 miles 24 days एंड कवर द डिस्टेंस अबाउट 240 miles फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद टू दांडी। ऑन 6th April 1930 गांधी जी सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ बाय टेकिंग अ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। इस तरह गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की। ऑन 6th अप्रैल 1930 को वहां पे पहुंचे और यहां से वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से उन्होंने मार्च स्टार्ट की थी। ओके फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नाउ वी लर्न नेक्स्ट पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स। हम ब्रिटिश रूल्स का क्या रिस्पॉन्स मिला? द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर। उन्होंने कांग्रेस लीडर के बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस। बहुत सारे प्लेसेस पर वायलेशन हो गया
महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। पीपल बिगन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स, यानी कि जैसे पुलिस स्टेशन है, म्यूनिसिपल बिल्डिंग है, लॉ कोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, अलग अलग बिल्डिंग पर हमारे जो लोगों ने वायोलेशन किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू रिप्रेस द क्वाइट ब्रूटल, यानी हम गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को हमारे यहाँ पे जो वायोलेशन है उसको सप्रेस करने का ट्राई किया। वुमन एंड चिल्ड्रन वर बीटन अप ब्रूटली, यानी यहाँ हमारे वुमन्स और चिल्ड्रंस को भी बहुत पिटा गया। अबाउट 10,000 पीपल वर अरेस्टेड इन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स। अब इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नाउ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फ्रेंड्स इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हेन थिंग्स बिगन टू टेक अ वायलेंट टर्न्स, आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वायलेशन पूरा टर्न हो गया और एक पार्ट ऑफ इंडिया के मोस्टली पार्ट के अंदर वायलेशन हो गया। महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। ही साइन अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5th मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के बीच एक पैक्ट साइन हुआ। दिस वॉज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। वो अग्री हुए लंदन जाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एक पार्टिसिपेंट बनकर। द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड गांधी जी हैड टू रिटर्न विद इंडिया डिसअपॉइंटमेंट। बट वहां पे नेगोशिएशन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिला और गांधी जी डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस लौटे। व्हेन गांधी रिटर्न टू इंडिया ही फाउंडेड मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर पुट इन जेल। बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, कांग्रेस ने इसको इलीगल बताया। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर से महात्मा गांधी ने अपने लीडर्स के लिए फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। बाय 1934 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम, यानी 1934 में इस मूवमेंट एकदम स्लो हो गई, इसका मोमेंटम लॉस्ट हो गया, यानी इसका इफेक्ट कम हो गया। Now this chapter is over, not second part of video. Now इसके बाद हम third part video में फिर से मिलेंगे इस chapter के लिए। Some questions on board, explain the Dandi March. इस chapter के अंदर ये second part of video में जो हमने discuss किया उसमें इतने important question है। Second civil disobedience movement. Third describe the features of Pune Pact. And fourth, why did Mahatma Gandhi relaunch civil disobedience movement? So, ये सारे important question, ये part 2 video के अंदर निकलते हैं. Okay, bye friends, subscribe my channel and share more student. अब हम video part 3 में इसका बाकी का जो part है, वो cover कर लेंगे. Okay, bye friends.